कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल जंतर मंतर पर चल रही किसान सांसद पहुंचे दर्शक दीर्घा में बैठे किया समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, 3 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद गोगरा पेट्रोलिंग प्वाइंट 17A से पीछे हटे भारत चीन के जवान। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास की रखी गई आधारशिला 3 एकड़ का प्लांट किया गया आवंटित। गोल्ड सिल्वर की उम्मीदें टूटी, टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हारे बजरंग पुनिया, पुनिया से अब कांस्य की इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आइए देखते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि गृह मंत्री ग्वालियर गुना शिवपुरी में आई बाढ़ आपदा के दौरे लौट कर महाकाल दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया के समझाने के बाद 22 जुलाई से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मंत्री सिसोदिया के निवास पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बिना शर्त के हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। वहीं इस मामले पर महेंद्र सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंचायत ग्रामीण विभाग में 16 दिन से चली आज जो कर्मचारियों की हड़ताल थी वो मेरे आश्वासन के बाद, और मैंने उनको आश्वस्त किया कि जो उनकी जो जायज मांगे हैं जो स्वीकार करने योग्य उसको निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करेंगे, और जो अन्य उनकी मांगे हैं उस पर भी हम विचार करेंगे और समय आने पर उनको भी पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। और मेरे इस आश्वासन पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हमारे सदैव से कर्मचारी हितैषी रहे हैं, और उनकी बात को रखते हुए, मेरे सम्मान को रखते हुए आज इन्हीं संगठनों ने अपनी हड़ताल बिना किसी शर्त के वापस करने समाप्त करने का। जावरा में संयुक्त मोर्चे के बैनर तले 17 विभाग के अलग अलग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कुछ दिनों पहले शासकीय कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर आज शासन ने कुछ शासकीय कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है और एक आवेदन देकर पुनः नौकरी ज्वाइन कर ली। वहीं अन्य कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल जारी रखी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि हम सरकार से कुछ अमर्यादित मांग तो कर नहीं रहे हैं, बस नियमितताकरण के छठे वेतनमान की पुनः गणना करने की मांग कर रहे हैं। उसमें भी शासन FIR करता है तो ठीक है, लेकिन हम भी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। सामूहिक रूप से आवेदन दिया था, बीच में CO जिला पंचायत के निर्देश पर बैठक रही गई थी, उसमें 2 सचिव ऑलरेडी पहले से काम पर हैं। 2 सचिवों ने ये बताया कि साहब हम हड़ताल पर नहीं हैं, उन्होंने लिखित में भी कोई सूचना नहीं दी थी। इस तरह से 4 सचिव हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही हड़ताल पर नहीं थे। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी के नेतृत्व में इंदौर के मधुमिलन चौराहे से रीगल तिराहे तक मार्च निकाला गया और महात्मा गांधी की प्रतिमा तले कैंडल जलाकर मृत नारी शक्ति को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इंदौर शहर में बीते दिनों वाव अस्पताल में एक युवती के साथ अस्पताल कर्मचारी द्वारा दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकाया गया था। वहां दिल्ली और प्रदेश के अन्य जिलों में हो रही महिलाओं पर प्रताड़ना को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने नेतृत्व में मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने बीजेपी की
शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म जैसे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। देख सकते हैं कि मेरे साथ इतनी बड़ी तादाद में महिला आई है, मातृशक्ति आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि उनकी बच्चियां डेहरी सहमी अपने घर से में बैठी हुई है, क्योंकि आज शिवराज सरकार ने जो अंधकार मचाया पिछले 20 सालों में उसको देखते हुए आज हर एक महिला परेशान है। पिछले 20 सालों में शिवराज सरकार की अराजकता की वजह से ये दरिंदे आज घूम रहे हैं, महिलाओं को बच्चों को रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। परसों की जो घटना हुई दिल्ली में, उसमें एक छोटी सी बच्ची जो शमशान में गई थी उसको मार के ठंडा पानी लेने गई थी और ये उसको ये दबाया गया था केस को ये बोल के कि ये पानी लेने गई। जावरा में बिजली के भारी भरकम बिल और बिजली संबंधी अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विद्युत कंपनी के बाहर पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा जो आम जनता को राहत दी जा रही थी, आम जनता के हित में जितने फैसले लिए थे उन सारे फैसलों को वर्तमान प्रदेश सरकार ने पलट दिया है। इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं को कांग्रेस ने राहत दी थी, उसके विपरीत अब भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में बिजली माफी का कहा गया लेकिन बिल माफ तो नहीं हुए, उल्टे भारी भरकम वसूली के बिल पहुंचा दिए गए। ये साहब, जो पूरे प्रदेश में, जिले में, नगर में जो विद्युत विभाग से संबंधित जो आम लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम सब लोग यहाँ पे जावरा के सभी वरिष्ठ एवं युवा साथीगण धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें कई समस्याएं हैं, बिजली के बिलों को लेकर है, 100 रुपये 100 यूनिट की जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो योजना शुरू करी थी उसको बंद कर दिया गया है, नया स्लैब लागू कर रही है सरकार जिससे अतिरिक्त बोझ आम जनता पर पड़ेगा जो पहले से ही कोविड को लेकर बहुत परेशानी में है, महंगाई की मार अलग सबके सरों पर है, ट्रांसफार्मरों को लेकर किसान बहुत ज़्यादा परेशान। पिपलोदा में कर्मचारियों की ओर से हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किए जाने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले 17 विभाग के अलग अलग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद हड़ताल के दौरान उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। 5 कर्मचारियों पर अपराध 188, 294 अपराध पंजीकृत किया गया। मामला विवेचना में है। SDOP रविंद्र बिल्लावल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के SDM अभिषेक चौरसिया की ओर से सराहनीय पहल की गई है, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्षेत्र के लोगों से जन सहयोग के माध्यम से तकरीबन 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद अब तहसील क्षेत्र के भीतर एक नया ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिया गया, जिससे यहां के लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान न होना पड़े। बता दें कि नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने की मांग पर SDM अभिषेक चौरसिया ने लोगों को जन सहयोग के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद SDM की प्रेरणा लेकर लोगों ने तकरीबन 30 लाख रुपए इकट्ठा किए और सभी रुपए ले जाकर SDM के हाथों सौंप दिए, जिसके बाद SDM अभिषेक चौरसिया ने लोगों को सुविधाएं देते हुए क्षेत्र में नया ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिया, जिससे अब प्रतिदिन 20 से 25 मरीजों को ऑक्सीजन 24 घंटे तक दी जा सकेगी। 107 LPM ऑक्सीजन प्लांट सिविल हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है, जिसमें 30 लाख रुपए की लगभग इकट्ठा किया गया था नगर के लोगों द्वारा, और उसमें ऑक्सीजन प्लांट की मशीनें आ गई हैं एक हफ्ते में। सीहोर में आज अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और उग्र तरीके से किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया।
कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि जब सरकार से आगे संगठन की बात चल रही है तो बार बार आंदोलन करने की बजाय काम पर लौटकर काम करें। हम लोगों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर हमारी जो अनिश्चितकालीन 35 दिन की जो हड़ताल चल रही थी वो हमने स्थगित की थी, और हमने उनके कहने पर हमारी हड़ताल को स्थगित करते हुए ये भी कहा था कि हमारी मांगे आप एक महीने में पूरी करने की कोशिश करिए। उनके आश्वासन पर हमने हड़ताल तो स्थगित कर दी, उनके कहने पर कि आपके मंत्रालय में बैठक के दौरान आपकी मांगों पर चर्चा की जाएगी, मांगे पूरी की जाएगी, मगर ना हमारी कोई मांगे पूरी की गई है ना किसी तरह का कोई अभी तक जवाब मिला है। रायसेन में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विद्युत विभाग की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करने वाले लोगों का कहना है कि तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाते हुए गरीब और किसान उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग के माध्यम से मनमाने बिजली के बिल देकर लूटा जा रहा है, जिसके विरोध फलस्वरूप SDM कार्यालय में धरना देकर नारेबाजी की गई और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बिजली के बिलों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार लोगों की परेशानियों को दूर करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिवानी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देश अनुसार विगत एक सप्ताह से चलाए जा रहे शराब कारोबारियों को लेकर अभियान के तहत छापा पुलिस ने मारा। गौरव चाटे एवं स्टाफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें मुखबिर की सूचना से ग्राम रामगढ़ जठलापुर पिपरिया गोहना सिमरिया जंगल में नदी के किनारे बन रही देसी महुआ की 1600 लीटर कच्ची शराब जब्त करके नष्ट की गई। मंदसौर की थाना YD नगर पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले का खुलासा मंदसौर SP सिद्धार्थ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जानकारी दी गई कि थाना YD नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी मात्रा में बंदूक की सप्लाई करने वाले हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर उज्जैन जिले के बड़नगर में रहने वाले सनद राठौर और मंदसौर के पिपलिया मंडी निवासी गौरव कैथवास के कब्जे से 8 देसी कट्टे और 3 देसी पिस्टल के साथ कारतूस जब्त की हैं। उसने ये बताया कि उसने जो है एक कट्टा गौरव कैथवास जो पिपल मंडे को उसको बेच के आया, और इस तरह से दो पिस्टल तो दो आरोपी गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली। साथ में जब पूछताछ किया गया तो संदर राठौर ने अपने घर से बड़नगर से एक देसी पिस्टल और 8 कट्टे और बरामद करवाया। इस तरह से पुलिस ने दोनों आरोपियों से 3 देसी पिस्टल और 8 देसी कट्टे बराबर के पुलिस ने जब्त किया है। 11 अवैध हथियार जो फायर आर्म से पुलिस ने जब्त किया, साथ में उनके कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया। रतलाम में कुछ दिनों की बारिश ने सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है। कई दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों को कीचड़ के दलदल में समा दिया है। शहर के कई क्षेत्रों में सड़कों पर आवागमन करने वाले राहगीरों और क्षेत्रीय जनता काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष लगन राज वनिया ने बताया कि बसंत कॉलोनी की सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता की परेशानी को देखते हुए उकाला रोड पर धरना प्रदर्शन किया ताकि प्रशासनिक अधिकारी हमारी परेशानियों को सुने। ये पिछले साल कई सालों से इस उकाला रोड क्षेत्र में एक बसंत कॉलोनी है जो सबसे पहली कॉलोनी है, जो कि कई सालों से कीचड़ों में तब्दील है। और कई बार जिम्मेदार वालों को समझाने पर ना तो वो सुनवाई कर रहे हैं, हर बार आते हैं सुनकर चले जाते हैं, कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगती उन लोगों के। यहाँ पे सांप बिच्छू बच्चों को अभी 2-3 बार हादसा हो चुका है, ना कितने दूध वाले यहाँ पे ऊपर चढ़ नहीं पाते, दूध के लिए परेशान होते हैं लोग यहाँ पे रहवासी। 1.5 साल पहले व्यक्ति मर गया हमारा था, अभी इधर 1.5 साल पहले भी व्यक्ति मर गया है, एक गंभीर स्थिति में था बंदा, वो भी एक्सपायर हो चुका है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, कोई लग रहा है किसी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम।
जावरा में दिन दहाड़े चोरों ने पटेल कॉलोनी को निशाना बनाया। यहां प्रधान आरक्षक के सोने घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कुछ ही घंटों में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना औद्योगिक क्षेत्र मामला दर्ज किया जा चुका है और जल्द ही आरोपियों को पकड़कर लूट का खुलासा किया जाएगा। सीहोर में बीते दिन सहारा समय एजेंट अनिल जैन को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया था। शिकायत के बाद अब हमलावर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एजेंट की हत्या के लिए 20,000 रुपए की सुपारी हमलावरों को दी गई थी। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली की बेलगाम पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सबके सामने आया है। पुलिस ने मादक पदार्थ बेचने के शक में एक ग्रामीण को जमकर पीटा। बता दें कि सरई थाने में पदस्थ एएसआई नीलेश मिश्रा और एक सिपाही का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एएसआई नीलेश मिश्रा और एक सिपाही और एक ग्रामीण की लाठी से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। बताया गया है कि पुलिसकर्मी सरई थाने में पदस्थ हैं और एक वारंटी को पकड़ने के लिए खनुआ खास गांव में गए थे। ग्रामीण की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही एएसआई सहित एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। एएसआई नीलेश मिश्रा और आरक्षक अभिवरण गुर्जर ये खनुआ खास गांव गए थे एक स्थायी वारंटी की पकड़ तलाश में, और वहां पर इन्हें सूचना मिली कि कोई सुनील साकेत नाम का व्यक्ति है जो गांजा लेकर के जो है जा रहा है, ऐसी सूचना मिली। इस पर जो है ये लोगों ने उसको रोका था, उससे कुछ कहा सुनी हुई और वहीं पर जो है इस तरह की घटना हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें एएसआई मारपीट करते हुए दिख रहा है। इसमें इस घटना की जांच के लिए एसडीओपी देवसर को दिया गया है प्रकरण, और एएसआई और आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और जांच के उपरांत आगे की जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। हरदा में लगातार अवैध गतिविधियों व गांजा बेचने वाले और गांजा सप्लाई करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए सभी थानों में निर्देशित किया जा रहा है। इसी को देखते हुए हरदोई पुलिस थाना सिविल लाइन को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना प्रभारी राजेश साहू एवं पुलिस कप्तान मनीष कुमार अग्रवाल के द्वारा 10 किलो अवैध गांजा पकड़कर एक और सफलता हासिल की है। पकड़े गए 10 किलो गांजे की कीमत 1,25,000 बताई जा रही है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पहले हमने 50 किलो 800 ग्राम गांजा फोड़ा था जो एक बोलेरो में था, और फिर उसके बाद मैंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि और सख्ती से कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा कि 8:27 गांजे की जो बुढ़िया बना बना के पीते हैं उनको पकड़ा, उस पर से ये इन्फॉर्मेशन और हमने परिपक्व की, उसी आधार पर हमने अभी 4 किलो 800 ग्राम भी पकड़ा था, फिर अभी आज 10 किलो गांजा पकड़ा है। इनके सर तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं ये कुछ पता चला? देखिए, ये जो गांजा लाते हैं ये पहली बार इन्फॉर्मेशन में जगदलपुर से कि किसी ढाबे से लाना बताया था, और अभी जो पकड़ा है उसमें अमरावती में धरणी जगह। अब खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की गांधीनगर थाना पुलिस ने पिछले दिनों इलाके में हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को लूट के मामले के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल गांधीनगर निवासी फरियादी जगदीश ने गांधी ने नगर में अपने साथ हुई लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस की एक टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल में शुरू की गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस इनके कब्जे से लूटा हुआ माल भी बरामद किया है।
मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित देश का सबसे स्मार्ट सिटी इंदौर शहर में हुई मानसून की पहली बारिश से ही सड़कों की गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। शहर के मुख्य मार्गों की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन सड़क दुर्घटना सामने आ रही है। गड्ढे को लेकर निगमायुक्त ने पेचवर्क करने के भी बात कहकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी कि शहर में बारिश थाने की गड्ढों का पैचवर्क कार्य शुरू कर सड़कों का निर्माण किया जाएगा और यातायात बाधित ना हो इस ओर भी ध्यान रखते हुए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बारिश में जो कुछ महत्वपूर्ण अपने इंटरसेक्शंस भी हैं जहां पर गड्ढे हुए हैं, लोगों को आने जाने निकलने में, वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है, सभी जोनल अधिकारियों ने उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और उस पर भी काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी रोज़ बारिश हो रही है तो इसलिए अभी जो अर्थवर्क होता है GSB उससे हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही बारिश रुकेगी और ये वाला फेज जैसे ओवर होगा वैसे ही पैचवर्क। इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।